हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में भी हम आज सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे हमने इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वहाँ पर हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करी थी, सैलरी कैलकुलेट की थी जिसमें हमने DIHRA और ग्रॉस ये सब निकाल कर तैयार किया था। यहाँ पर हम मैथ क्लास का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रोग्राम में मैथ क्लास को कैसे यूज़ किया जाता है, मैथ क्लास के फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं। मैथ क्लास जो होती है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है, जो इनबिल्ट ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम से एसोसिएट रहता है। और इसके अंदर जितने भी मेथड होते हैं मोस्टली स्टैटिक मेथड्स होते हैं, तो उन्हें क्लास के नाम से हमें कॉल करना होता है। और ज़्यादातर इसके फंक्शन मोस्टली डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो हमें इनका रिजल्ट भी डबल टाइप में ही स्टोर करना होता है। बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं, जैसे पावर है, SQRT है, मैक्सिमम है, ये सब चीज़ें। तो इनमें से कुछ फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे हम। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है, इसमें स्क्वायर रूट है तो SQRT फंक्शन का यूज़ करेंगे, पावर है तो हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे, पावर फंक्शन का, और कॉस के लिए कॉस फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट, हमें ए बी और एक्स की वैल्यू रीड करनी होगी, तो हम इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल को यहाँ पर लगा लेते हैं रीड करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग रीड करेंगे डेटा, तो इसको हम बोल देते हैं कैलकुलेट। मेन मेथड हम लोग लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम बोलते हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड एक्स है हमारे पास, सी नहीं है। वन बाय वन हम तीनों की वैल्यूज रीड कर लेते हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा बी रीड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एक्स रीड हो जाएगा। तीनों वैल्यूज रीड करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग डबल में यहाँ पर साइड ले लेते हैं, वो साइड इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो हम लोग लेंगे मैथ डॉट SQRT। स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग लेंगे ए स्क्वायर, तो ये पावर है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मैथ डॉट पावर ए कॉमा टू, ये मैथ की पावर आ गई है। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो हम प्लस लगा कर यहाँ पर लगाएंगे मैथ डॉट पावर और बी कॉमा टू, यहाँ पर बी की पावर आ जाएगी। उसके बाद -2AB है, तो -2 × a × b ये हम लगा देंगे। उसके बाद इंटू यहाँ पर कॉस एक्स है, तो मैट डॉट कॉस एक्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बस इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हमें सिंपल रिजल्ट प्रिंट कराना है, सॉरी साइड प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर साइड प्रिंट करा देंगे। कैलकुलेट को हम लोग सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव में जाएंगे। यहाँ पर हम माय कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर अपने JDK फोल्डर में बिन के अंदर इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। कैलकुलेट डॉट जावा के नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 2 डाली, बी की 4 और 6, एक्स की वैल्यू हम 8 डाल देते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन हमारा वर्क करेगा। इस प्रोग्राम में मैंने सिखाया कि कैसे हम लोग मैथ क्लास के फंक्शंस का यूज़ करते हैं। एक बेसिक सा हमने प्रोग्राम बनाया है। इसकी एक्सरसाइज के लिए ये सारे प्रोग्राम्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको आप अपने आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर कुछ पूछना है आप तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, या कोई क्वेरी हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। एक पूरी सीरीज़ में इसमें जावा की डालूँगा, तो आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।